हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो सो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी इस तरीके का थर्मोमीटर है और आप इससे टेम्परेचर को जब भी मापते हो या मेजर करते हो तो आपको इसे इस पर कोई भी इंडिकेट देखने को नहीं मिलता है और आप लोग क्या करते हो या आप इसमें दो ही काम करते हो पहला तो ये कि आप इसकी जो सेल जो होती है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ये जो दो सेल होती है आप लोग इसे चेंज करते हो लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ये सेल जल्दी ख़राब नहीं होती है ये काफ़ी लॉन्ग समय तक चलती है आपको वोल्टेज की बात करें मैं वोल्टेज को दिखा देता हूँ आप सबसे पहले यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर मैंने सेट किया हुआ है अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है ये है माइनस प्रोब और ये है प्लस प्रोब तो प्लस को मैं यहाँ पर टच कर दे रहा हूँ इस इस पर और ग्राउंड इसके ऊपर में होता है यहाँ पर तो इसमें जैसे मैं टच करता हूँ आप इसकी वोल्टेज को देखना देखिए वन मतलब ये बैटरी पूरी तरह से लो नहीं है क्योंकि ये लो तभी आपको बताएगी जब इस पर प्रॉपर वन वोल्ट होगा लेकिन यहाँ पर वन वोल्ट से ज़्यादा है वन वोल्ट है अब मैं सेकंड सेल को भी चेक कर लेता हूँ ये सेकंड सेल है इसे भी मैं चेक करता हूँ आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देना चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको हर तरह की वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिल जाती है इसकी भी वोल्टेज देखें तो इसकी भी वोल्टेज सेम है अब आप लोग सोचो जब ये सेल ठीक है तो फिर भी वो काम क्यों नहीं कर रहा है तो अब वो मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आप बस फॉलो करते जाना सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि सबसे पहले तो आपको इसे चेक करना पड़ेगा और इसके अंदर पर जो सर्किट होगा उससे पूरा मेजर आपको करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कहीं कहाँ से ये फोल्ड निकल करके आया है तो इसे यहाँ पर आपको सावधानी से ओपन करना पड़ेगा क्योंकि तो ये पूरी तरह से प्लास्टिक की बनी हुई होती है और ये बहुत ही जल्दी टूट जाती है तो इसे सावधानी से खोल लेंगे ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसे खोल लेना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका डिस्प्ले जो अंदर पर लगा हुआ है यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले है डिस्प्ले आपका नहीं ख़राब होता है क्योंकि डिस्प्ले अगर खराब होगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा था तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है बस आपको इसे टेस्ट करना होगा इसे टेस्ट करने के लिए मैंने आपको पहले वाले वीडियोस पर भी मैंने बताया है कि आपको मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा इसकी कंटिन्यूटी टेस्टिंग आपको चेक करना पड़ेगा जैसे कि इस पर जितने भी कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं जैसे मैं आपको कुछ कॉम्पोनेंट्स के बारे में बताता हूँ यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर यहाँ पर यह है रजिस्टर और आपको यहाँ पर टोटल कितने कैपेसिटर देखने को मिल जाते हैं वो मैं बता देता हूँ एक दो तीन अगर ये तीनों कैपेसिटर में से अगर किसी पर भी जो इसका बजर है मल्टीमीटर का वो अगर बीप नहीं करता है मतलब आवाज नहीं देता है तो इसे तोड़ करके आप इसमें नया लगा सकते हो या शॉर्ट भी कर दोगे तो ये खराब नहीं होगा रजिस्टर की बात करें रजिस्टर यहाँ पर एक और दो दो रजिस्टर लगा हुआ है और इस पर कुछ भी नहीं है और आप पिन को भी इसे चेक कर लेना जो हम आप बैटरी को लगाएंगे उस पर आपको पिन को चेक करना पड़ेगा कि वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या उस पर जिंक लग गया है तो अब यहाँ से भी देख लिया आप लोगों ने कि मतलब ये किस तरीके से है क्लियर है या खराब है वो आप लोग को देखना पड़ेगा तो अब आप मैं आपको बताता हूँ इसका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से नहीं है क्योंकि मैंने इसे पहले चेक किया हुआ है और मुझे पता है इस पर प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है तो अब आप मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है इसका खराब होने का तो यहाँ पर आप लोग देखो ये इसका मैन थर्मो मीटर का मेन पॉइंट जब आप लोग इसे पानी में डालते हो या हीटर के सामने लेकर के जाते हो तो ये हीट को ऐब्जॉर्व करता है या कोल्ड को मतलब ठंडी हवा को ऐब्जॉर्व करके ये हमें यहां पर बताता है डिस्प्ले पर ये कितनी डिग्री सेल्सियस से से पर अभी ये रूम है या पानी है तो जब हम इसे मैं खोल रहा था तो खोलने पर मुझे यहाँ पर दिखा एक छोटा सा प्रॉब्लम और वो दिखा था यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो एक यहाँ पर हमें छोटा सा सेंसर देखने को मिल जाता है जो है आई आर सेंसर इतना सारा मतलब इतना छोटा है आप लोग अपने आंखों से तो इसे देख नहीं सकते हो मैं कैमरे को जूम कर रहा हूँ तब आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये देखिए ये इतना छोटा है और सोचिए मेजर करने के लिए ये इतनी छोटी सी चीज़ इसमें लगाई गई है और इसका जो कवर है वो इतना बड़ा है देख सकते हो मैं तोड़ के मैं यहाँ पर निकाला हूँ और इसका वायर जो है वो शॉर्ट कर गया था तो मैंने उसे निकाल दिया क्योंकि आपको मैं पहले से भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई वीडियोस आता है सबसे पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ से देखिए मैं कितना वायर को कट कर चुका हूँ मैं यहाँ से मैंने कट किया ये पूरा शॉर्ट निकला यहां से मैंने चेक किया यहाँ भी शॉर्ट निकला फाइनली जो वायर है वो यहाँ से बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे आपको भी कुछ ज्यादा नहीं करना है वायर को यहां से डिसोल्डरिंग करके करके आपको यहां पर सोल्डर इस पर लगा देना है आप लोग बोलोगे जो इसके सर्किट पर जो पेस्ट पहले से लगा हुआ था इस पर वो तो हमारे पास है नहीं तो हम इसकी जगह पर क्या यूज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर वाइट सीमेंट जो आता है जो पुटी में यूज किया जाता है या पुटी जो होती है उसे भी आप इस पर लगा करके पेक कर सकते हो वो भी अच्छी तरह से काम करेगा इसका काम होता है बस ठंडा और गर्म को इस पर एब्जॉर्ब करके रीडिंग बताना तो इससे डायरेक्ट यहां से कट करेंगे और इसके साथ सोल्डर कर देंगे आईआर सेंसर है उसे मैंने यहां पर सोल्डर कर दिया है वायर आप किसी में भी लगा सकते हो ऐसा नहीं कि ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा इस पर कोई रीडिंग नहीं होता है डायरेक्ट आपको इसे लगा देना होता है मैं इसे पैक तो कर लूंगा लेकिन अभी पैक नहीं करूंगा मैं इसे बाद में पैक करने वाला हूं लेकिन आपको टेस्टी करके दिखाने के लिए मैं इसे डायरेक्ट इसी तरह से पैक कर देने वाला हूं आप वीडियो को आप लाइक कर देना चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ये आपको रिपेयरिंग की वीडियो आपको और कहीं पर देखने को नहीं मिलने वाली क्योंकि मुझे इसमें काफी सारा रिसर्च करना पड़ा तभी मुझे ये पता चला है अगर आप लोग को लगता है ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग खुद से ट्राई करो और मुझे फिर कमेंट में बताना तो आप इसे यहां पर जैसा ये पहले था पैक कर देंगे गैस अब आप लोग यहां पर देख सकते हो यहाँ पर जो पहले रीडिंग भी नहीं बता रहा था ये अभी ऑटोमेटिक रीडिंग आपको बता रहा है आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख भी रहे हो मैंने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं किया डायरेक्ट मैं वीडियो को रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ साफ आपको लाइव में दिखा रहा हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पानी जैसे कि अभी मैंने जो आपको शोरूम टेस्ट करके दिखाया था अब जब इसे मैं इसके अंदर डालूंगा तो आपको यहाँ पर रीडिंग देखने को मिल जाएगा ये देखिए अभी मैं इसे पानी में डाल दिया हूँ अब देखते हैं थोड़ी देर बाद इसकी जो रीडिंग है वो घटती है या बढ़ती है अभी आप देख सकते हो लगभग मैं इसमें 10 से 20 सेकंड मैंने रखा है और रीडिंग जो है वो ज़्यादा तो नहीं घटा है लेकिन थोड़ा सा ये घट चुका है देखिए मैं बाहर अभी निकल रहा हूँ अब ये धीरे, धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि पानी के अंदर पर सेम टेम्परेचर होता है तो कुछ इस तरीके से आप इसे रिपेयर कर सकते हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लेकिन आपको अगर बेहतर तरीके से समझना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना मैं बोला किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत